गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिन के बाद वीडियो बनाने का मन किया, इसलिए आज आपको थोड़ा वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। साथ में मैंने आज एक डिसाइड भी किया, मैं पहले वीडियो नेपाली भाषा में बनाता था, नेपाली में मेरा ओन मदर टंग में बनाता था, लेकिन आज मैं हिंदी और इंग्लिश में यूज करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने सब टाइटल डाल दिए प्लीज बोला, और कोई कोई व्यूअर्स तो मेरा बाहर से भी है, और इसीलिए मैंने वीडियो हिंदी और इंग्लिश में मैं बनाना कोशिश करूंगा। फिर भी मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है, इवन माय इंग्लिश इज ऑल्सो नॉट गुड, फिर भी मैं ट्राई करूंगा आप सभी के लिए, क्योंकि ये सब ने बोला आप इतना अच्छा वीडियो बनाते हो, इतना अच्छा कंटेंट है, फिर भी आप क्यों सीमित रखते हो अपने ही जगह में, क्यों सीमित रखते हो, हम लोग को भी सिखाए, बहुत कॉल आया, इसलिए मैं आज हिंदी में बनाऊंगा। और आज तो अभी तो मेरा ड्यूटी टाइम है एंड मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूँ। हम लोग ड्यूटी में क्या क्या, मैं तो अभी कॉलेज का फार्म में हूँ, इसलिए कॉलेज के फार्म में क्या क्या एक्टिविटी होगा, कैसे काम करेगा है, मैं सब आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। और मेरा फार्म में अभी बहुत सारी चीज़ है, हम लोग ने बहुत डेवलप कर चुका हो, अभी कोई कोई तो फ्लावरिंग स्टेज में है, वेजिटेबल वगैरह, कोई फ्रूट्स क्रॉप में, कोई कोई अभी हम लोग ने न्यू प्लांटेशन किया है, कोई कोई अभी जर्मिनेट हुआ है, जैसा फ्रेंच बीन, बटर बीन्स, वो लोग आज मैं थोड़ा दिखाऊंगा। और वीडियो में बने रहना। अभी नीचे में देख रहा है वो हमारा कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, आप लोग देख सकते हो, और साथ में नीचे में ये बॉयज हॉस्टल है। इधर से अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि माई कैमरा इज़ नॉट गुड। और हमारा कॉलेज में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नाम से जाना जाता है ये कॉलेज, और ये कॉलेज एक बहुत सुंदर जगह में है, देखिए सिक्किम का एक बर्मेक बोलते हैं, बहुत सुंदर जगह में है, देखिए कितना अच्छा व्यू है। आप लोग घूमने के लिए आइए और कुछ सीखने के लिए आइए, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग यू कैन कम हियर एंड यू कैन गेट नॉलेज रिगार्डिंग फार्मिंग, what to say, related to agriculture or horticulture, you can learn from our college। and अभी बहुत अच्छा दिन हुआ है आज, और अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में हूँ मैं, क्योंकि मॉर्निंग में आज वीडियो बना रहा था, जब मैं कॉलेज जा रहा था, ड्यूटी में जा रहा था, उस टाइम मेरे को वीडियो बनाने का मन किया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारे बीन्स लगाया है, वो भी बटर बीन्स लगाया है, हम लोग घ्यूसी भी बोलते हैं यहाँ पर नेपाली में, हम लोग घ्यूसी भी बोलते हैं, साथ में सिंगतामिसी भी लगाया है, फ्रेंच बीन भी लगाया है, आप लोग को मैं दिखाऊंगा, और हम लोग ने क्यों लगाया वो भी आप सभी को मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये जो देख रहा है ये बटर बीन है, इसको घ्यूसी भी बोलते हैं हम लोग, ये बहुत टेस्टी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और इसका मार्केटिंग वैल्यू भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर्स बीन्स। हाँ, ये फार्म पूरा स्टेट का था, उस टाइम बहुत साल गैप हो चुका था, ये यहाँ पर खेती नहीं हुआ था। और मेन इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी को क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम लोग ने क्यों ये बीन्स लगाया, बीन्स का जात का कल्टिवेट क्यों किया, मतलब इस जगह में, इस मिट्टी में पिछले साल कुछ भी खेती नहीं हुआ था, टोटली ये बैरल लैंड था, ये बैरल लैंड को कल्टिवेट में लेने के लिए हम लोग ने इसको लेगुमिनस का क्रॉप हम लोग ने वो किया, जैसा लेगुमिनस में बोलते हैं दाल होगा, पटमर्स होगा, सीबी होगा, जो भी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और यूरिया का खुद का ऑर्गेनिक यूरिया को जो प्लांट फिक्सेशन करता है उसको हम लोग ने ट्राई किया हो, और देखिए बहुत हम लोग ने बहुत जगह में लगा दिया। और एक इम्पोर्टेंट बात है, हमारे पास अभी मैन्यूअर का बहुत कम होने की वजह से हम लोग ने विदाउट अप्लाइंग एनी कंपोस्ट हम लोग ने यहाँ पर बीन्स लगाया, लेकिन एक फायदे का बात क्या था, इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या था, हम लोग
जब भी ऐसा वाला ये पूरा ये थ्रेस ग्रास था ना, ऐसे ही था पहले यहाँ पर। ये थ्रेस ग्रास हम लोग ने काट के चॉपिंग करके इधर ही हम लोग ने मैनर बना दिया, और छोटा छोटा चॉपिंग करके हम लोग ने इधर ही ये जो लैंड है बैरल लैंड है इसमें हम लोग ने मिक्स कर दिया। उसके बाद हम लोग ने पावर टिलर यूज करके इधर खोद के ऐसा बेड बना के हम लोग ने सोइंग किया। हुआ अभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आप भी देख सकते हो। विदाउट एनी फर्टिलाइजर एनी मैन्योर विथ ग्रीन मैन्योर ओनली हम लोग ने ट्राई किया, बहुत अच्छा सक्सेस हो रहा है। एंड इसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा है, ये लगभग 60-70-80 तक जाता है ये बटर बीन्स, बहुत अच्छा हुआ है। एंड आपको आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी आपके पास बैरल लैंड है कभी कल्टीवेट नहीं हुआ है और कल्टीवेट करने से भी कुछ उत्पादन नहीं आ रहा है, तो आप लोग ऐसा ही कर सकते हैं, बीन्स लगा सकते हो, पटमस लगा सकते हो, दाल लगा सकते हो, कुछ इनकम आएगा और आपका लैंड में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, फर्टिलिटी बढ़ाएगा, अच्छा करेगा। और लास्ट में सभी को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था मैं, क्योंकि क्या बोलती हो टाइम के वजह से, टाइम व्यस्तता होने के वजह से वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था। इसके वजह से मेरे आंतरिक इधर से सभी को सॉरी। और मैंने अभी क्यों वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉल आने लगा, जैसा बहुत सारे डाउट्स था वो लोग को, सर ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मेरे गाँव में संतरा मर रहा है, हमारा बीज अच्छा नहीं हो रहा है। और इसलिए ऐसा सोचा, क्योंकि एटलीस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो लोग को कुछ फ़ायदा हो रहा है, ऐसा ही सिर्फ मेरे नहीं दूसरे लोग को भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, इसलिए सोचा वीडियो तो मैं अच्छा ही काम कर रहा था, क्यों मैंने छोड़ दिया ऐसा सोचा। इसलिए मैं अभी ट्राई करूँगा, इफ़ आई विल गेट माई टाइम आई विल ब्रिंग गुड कंटेंट ऑफ वीडियो टू ऑल ऑफ यू। और इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँ, और कंटिन्यूसली मैं वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए मेरे को, और मैं अभी तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कॉलेज में हूँ, बहुत सारा कंटेंट, अब तो कंटेंट का क्या बोलूँ, वही नहीं होगा, प्रॉब्लम ही नहीं होगा, इसलिए मैं आप कंटिन्यूसली करूँगा। एंड मेरे वीडियो में अंत तक और बने रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हाँ वो तो आपके हाथ में है। एंड थैंक यू।